हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं सुरेंद्र पांडे आपके सामने लेके आया हूँ 5 जुलाई 2018 का करंट अफेयर्स। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो हमारा करंट अफेयर्स है, ये आप जो है इसको आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से जो ऐप है ऑनलाइन तैयारी का, वो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इनको आप इवनिंग अपडेट के रूप में भी पढ़ सकते हैं, जो कि हर शाम हम 6:30 बजे हिंदी में और 7 बजे इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट 7:20 में हम मराठी में भी यही करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है हमने जो है मंथली पीडीएफ निकाली है। अभी जो जून की पीडीएफ है वो 7 जुलाई को लॉन्च होगी, तो कृपया जो है इस पीडीएफ को लेना ना भूले। ये मात्र 35 रुपये में है। इसकी खास बात ये है इस पीडीएफ की कि इस करंट अफेयर्स पीडीएफ में हमने 200 से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के वो कवर किए हैं। वो विभिन्न क्षेत्र से हैं, जैसे कि राष्ट्रीय हो गया, इंटरनेशनल हो गया, आपका अंतर्राष्ट्रीय हो गया, आपका स्पोर्ट्स यानी खेल, आपका पर्सनल न्यूज़ हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारे सेक्शंस इसमें कवर्ड हैं। इसके अलावा जो है उसमें हमने 50+1 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और 300+ वन लाइनर्स आपको प्रोवाइड किए हैं एक पंक्ति में, यानी कि जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के जो है करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का करंट अफेयर्स क्या है तो देखते हैं। तो सबसे पहले है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि मतलब कि मैं इसे शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के यानी कि अनिल बैजलाल, वो जो है बाध्य है मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस से, लेकिन उन्हीं मामलों में बाध्य है जिनमें कि दिल्ली सरकार का हस्तक्षेप जो है आर्टिकल 239 AA और आर्टिकल 239 BB में ले डाउन किया गया है, यानी अनुच्छेद 239 AA और अनुच्छेद 239 AB। सो जिस जो भी सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर आ रहा है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन है, केवल उसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके एड और एडवाइस से बाध्य रहेंगे। तो उसी पे हमने जो है ये क्वेश्चन बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज बाउंड बाई एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एक्सेप्ट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सब्जेक्ट वो जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता है और उसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपना खुद का डिस्क्रिशन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मुद्दों को छोड़कर निर्वाचित सरकार की सलाह से बंधे हैं। तो क्या क्या है आपका? लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर यानी कि भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। तो आपके जो ऑप्शन है आपको ये चूज करना है, हमने दिया है वह 1 और 2 यानी कि लैंड एंड पुलिस, 2 और 3 यानी कि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, 1 और 3 यानी कि लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, या 1, 2 और 3 यानी कि सभी जो है उपयुक्त जो ऑप्शंस हैं वो सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2 और 3 यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? डी है। तो ये जो है आइए अब देखते हैं इसको, थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है जैसा मैंने कल आप लोगों से पूछा था क्या दिल्ली राज्य को पूर्ण दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, तो काफ़ी बहुत कम लोगों ने उसका उत्तर दिया। शायद हमने उसको अंत में पूछा था, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली राज्य को दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। तो हमारी समझ से ये है या संवैधानिक जो स्थिति है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और आइए अब देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जो है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए हमने एक वीडियो भी डिस्कस किया है लगभग मतलब कि आपका जो है 22-23 जो जून है उसके वीडियो में हमने लाइव डिस्कशन किया है कि क्यों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा ग्लिम्प्स देंगे, एक कमेटी का अध्ययन देंगे कि जिसके तहत कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए ये कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल का जो इसने वर्डिक्ट दिया है उसमें जो है उसी कमेटी के रिपोर्ट को जो है आधार बनाया है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ क्या है। तो द कॉन्टेक्स्ट इज अ 5-judge कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाई CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा गेव द वर्डिक्ट ऑन विथ होम लाइज द रियल पावर इन द नेशनल कैपिटल। तो जैसा आपको पता है
कि दो तरीके के पावर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि रियल पावर और नॉमिनल पावर। तो रियल पावर जो होता है, जैसे अगर केंद्र की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है, वो केवल एक सिग्नेटरी रहता है, लेकिन जो रियल पावर रहता है वो होता है प्रधानमंत्री और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके पास। तो सिमिलरली यहाँ पे ये सवाल उठा था कि जो दिल्ली को, दिल्ली का शासन चलाने का जो रियल पावर है वो जो है किसके पास है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि मतलब डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट का नॉमिनी है, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि क्या केंद्र का जो है पूरा रियल पावर, केंद्र के पास रियल पावर है दिल्ली के शासन को लेकर, या फिर जो इलेक्टेड गवर्नर है यानी कि जो आपकी सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है या जो अरविंद केजरीवाल है उनकी सरकार है, उनके पास सही मायने में जो है रियल पावर है। तो इसको जो है कल 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में जो 5 न्यायाधीशीय संवैधानिक बेंच ने जो है ये फैसला सुनाया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसके पास असली पावर है। तो जजमेंट ये कहता है, अब आइए देखते हैं निर्णय ये है कि भूमि पुलिस और सार्वजनिक आदेश यानी कि पब्लिक ऑर्डर जो है, ठीक है, आदेश नहीं पब्लिक ऑर्डर इसमें समझिए, दैट मींस कि द दिल्ली गवर्नमेंट हैज पावर इन ऑल एरियाज एक्सेप्ट लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। तो ये तीन आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये जो है आर्टिकल 239A में जो है मेंशन किया गया है कि लैंड पुलिस और पब्लिक ऑर्डर छोड़ के बाकी चीज जो है दिल्ली सरकार के पास रहेगा। तो बाकी चीज़ों में जो है एक्सेप्ट लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, अन्य सभी क्षेत्रों में शासन का अधिकार जो है वो किसके पास रहेगा, दिल्ली सरकार के पास रहेगा। केवल इन तीन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में दिल्ली सरकार जो है के पास ये पावर रहेगा, इसीलिए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इन अन्य क्षेत्रों में दिल्ली सरकार के एड एंड एडवाइस पे जो है काम करेगा, लेकिन इन तीन क्षेत्रों में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे सीधे प्रेसिडेंट का जो है नॉमिनी है। और इस सेंस में हम कह सकते हैं कि केंद्र जो है इन तीनों में जो है केंद्र का ही बोल सकते हैं शासन चलेगा। सो जैसा कि मैंने कहा, जो बेंच जो है इट रिलाइड ऑन 1987 बाल कृष्ण कमेटी रिपोर्ट। तो बाल कृष्ण कमेटी रिपोर्ट जो 1987 में आई थी उसमें यह कहा गया था कि दिल्ली एक राज्य नहीं है। सो दिल्ली को इनफैक्ट एक राज्य नहीं है, और उसके पीछे जो उसने रीजनिंग दी थी कि दिल्ली राज्य क्यों नहीं है, तो दिल्ली राज्य इसलिए नहीं है कि समिति ने यह कहा कि अगर दिल्ली को राज्य हम घोषित बना देते हैं या पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं, बालकृष्ण समिति ने यह कहा था, तो क्या होगा उसमें कि आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों का जो है डिवीजन करना पड़ेगा, और इन तीनों का जब डिवीजन होगा तो पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी संसद है उसको जो है लिमिटेड एक्सेस रहेगा, यानी कि जो एक्सेस रहेगा सब्जेक्ट्स में वो लिमिटेड ही रहेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो दिल्ली है यहाँ पे केंद्र सरकार भी है, क्योंकि दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी है, तो केंद्र सरकार भी है प्लस यहाँ पे एम्बेसीज भी हैं और राज्य सरकार भी है। तो पहला कन्फ्लिक्ट तो यहाँ से पैदा होगा। दूसरा कन्फ्लिक्ट ये होगा कि मान लो कि जब केंद्र और राज्य में अगर एक ही पार्टी पावर में है तो शासन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो अलग अलग पार्टी आ जाती हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में जो है आपकी सरकार है, तो उस सेंस में क्या है कि फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा ही बने रहेंगे। तो ये जो है एक ही सिटी में दो सरकार होना जो है ये कहीं भी मतलब कि लॉजिकल नहीं है। इसके अलावा जो है इस समिति ने एड एंड एडवाइस यानी कि जो हम कह रहे हैं कि जो सहायता और सलाह है, यानी कि जो हम जानते हैं कि जो हमारा 42वां संशोधन या था यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, उसमें ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो वो किसी राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। तो उसी से ये निर्णय निकलता है कि क्या दिल्ली सरकार जो कि एक इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित सरकार है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को मतलब कि एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करना चाहिए। तो समिति का ये मत था कि केवल
जो है ये तीन सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी चीज़ों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है उसके एड एंड एडवाइस पे काम करना होगा, लेकिन उन मैटर्स जैसे कि जुडिशियल मैटर्स हो गया, क्वाजी जुडिशियल मैटर्स हो गया, उसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी हाल में बाध्य नहीं होंगे दिल्ली सरकार के एड एंड एडवाइस से। और फाइनली जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो रहेगी दिल्ली के किसके पास रहेगी, प्रेसिडेंट के पास, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू दिल्ली पे राज कर शासन चलाएगा। तो ये तो था बालकृष्ण समिति की जो थी ये अध्ययन था और यही रिपोर्ट था, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार माना है और इसलिए कहा है कि केवल भूमि पुलिस और सार्वजनिक ऑर्डर यानी कि एक्सेप्ट लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर LG इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें और एक मुद्दा उठा, ये मुद्दा ये उठा कि क्या, तो जैसे ही ये आया तो पुडुचेरी की जो सरकार है पुडुचेरी में कहा ये कि क्योंकि वहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी है, तो जैसे ही दिल्ली के लिए ये वर्डिक्ट आया तो पुडुचेरी ने भी कहा कि पुडुचेरी ने भी इस जजमेंट को वेलकम किया और कहा कि ये बहुत ही, जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिस भी केंद्र प्रशासित क्षेत्र में लेजिस्लेटिव असेंबली है या विधानसभा है, तो वहाँ पे जो है कहने का मतलब है कि सारा जो अधिकार है शासन का वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास ही होना चाहिए। सो पुडुचेरी ने भी इस जजमेंट को वेलकम किया, लेकिन लगे हाथों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो दिल्ली का वर्डिक्ट है, यहाँ की अगर हम देखेंगे कि दिल्ली का जो वर्डिक्ट है ये पुडुचेरी पे अप्लाई नहीं होता है, दैट मीन्स कि पुडुचेरी कैनॉट बी कंपेयर्ड विद द केस ऑफ दिल्ली, यानी कि हालांकि पुडुचेरी को की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती। और ऐसा क्यों, क्योंकि पुडुचेरी जो है आर्टिकल 239A से गवर्न है, यानी कि अनुच्छेद 239A से गवर्न है, जो कि 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के तहत इंसर्ट किया गया था, और दिल्ली जो है दिल्ली के संबंध में अनुच्छेद 239AA और 239AB जो कि 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में आया था, यानी कि 239AA एंड 239AB गवर्न्स दिल्ली, विच वॉज इंसर्टेड विथ 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। नो, नाउ हाउ इट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि जो आर्टिकल 239 है ये 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में उन केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए लाया गया था कि जहां पे संसद जो थी रिस्पॉन्सिबल थी वहां पे सरकार बनाने के लिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट करने के लिए या एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करने के लिए। तो हुआ ये कि जैसे 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 उस आर्टिकल 239A के तहत 1971 से पहले पहले हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और दमन एंड दीव आते थे, लेकिन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बन गया, फिर त्रिपुरा और मणिपुर भी 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बन गए, गोवा भी जो है मई 30 1987 को जो है एक पूर्ण राज्य बन गया, और दमन एंड दीव जो है एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र रहा। लेकिन ये जो आर्टिकल 239A था पुडुचेरी के संबंध में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ, इसीलिए जो है इसी से ये निकलता है कि पुडुचेरी और दिल्ली का जो केस है ये एक ही नहीं है। हालांकि वहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ज़रूर है, लेकिन संसद ही जो है वहाँ पे चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रिएट भी कर सकती है या उसे ख़त्म भी कर सकती है। तो ये था दिल्ली का जो है परिपूर्ण जो जो भी जजमेंट था, और प्लस पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, हमने इसे यहाँ पे डिटेल में कवर किया। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लास्ट में यानी कि वीडियो के अंत में आपको एक जो है क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आपको जो है उसका उत्तर जो है अपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एनिमल्स टू बी लीगल पर्सन्स। तो क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जानवरों को विधिक
व्यक्ति घोषित किया है, यानी कि लीगल पर्सन के रूप में घोषित किया है, तो अगर अगर जुडिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या लॉ, बेसिकली मैं लॉ की बात करूंगा, अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दो तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन होता है यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे है, और दूसरा जो होता है एक आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन, यानी कि जिसे कानूनन तौर पे पर्सन घोषित किया जाता है, तो वो जो है एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और या फिर एक जानवर भी हो सकता है। तो अपने आप में ये जजमेंट इसलिए ये यूनिक है क्योंकि यहाँ पे जानवरों को विधिक व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है। अब ये किस राज्य ने किया है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इन चारों में से कौन सा राज्य है जिसने जानवरों को जो है विधिक व्यक्ति या लीगल पर्सन के रूप में घोषित किया है? तो ये है उत्तराखंड। आपका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये जजमेंट। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इन अ यूनिक रूलिंग द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस राजीव शर्मा एंड लोकपाल सिंह, यानी कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के एक जो है डिवीजन खंडपीठ ने, एक खंडपीठ ने जो कि जस्टिस राजीव शर्मा और लोकपाल के अधीन थी, उसने ये कहा है कि इट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन और एंटाइटी टू एनिमल्स इन द स्टेट, यानी कि एनिमल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड ए लीगल पर्सन और एन लीगल एंटाइटी इन द स्टेट। इन अदर वर्ड्स, दे हैव अ डिस्टिंक्ट पर्सन विथ कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ लिविंग पर्सन, यानी कि जो भी एक जीवित व्यक्ति है, यानी कि जो एक प्राकृतिक तौर पे व्यक्ति है, उसके जो अधिकार हैं, उसकी जो ड्यूटीज हैं और उसके जो लाइबिलिटीज हैं, सिमिलरली जो है अप्लाई होंगे जानवरों पर भी। यानी कि यहाँ पे हम देख लेते हैं हिंदी में क्या है कि कानूनी व्यक्ति या इकाई घोषित किया गया है, दूसरे शब्दों में उनके पास एक जीवित व्यक्ति के संबंधित अधिकार, कर्तव्य और देनदारियों के साथ एक विशिष्ट व्यक्तित्व है जानवरों के। और ये निर्णय क्यों लिया है? क्योंकि जानवरों के अधिक कल्याण की रक्षा और प्रचार करने के लिए, पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए, यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल, जिसका कि एक्ट भी है जो कि 1960 में आया था। कब आया था? 1960 में। तो 1960 में ये एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल। तो उसी के कोरिलरी से पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए इस दिशा निर्देश को जारी किया है इस खंडपीठ ने। दैट मीन्स कि इट गेव द रूलिंग वाइल इशूंग अ सीरीज ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिवेंट क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स विच इज डिफाइंड इन 1960 एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ग्रेटर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और भी जजमेंट है कि लीगल पर्सन तो घोषित किया ही गया है, इसके अलावा जो है यहाँ की खंडपीठ ने, उत्तराखंड की खंडपीठ ने ये कहा है कि उसने ये भी निर्णय लिया है कि इट हैज़ प्रोवाइडेड कि हाउ मच लोड कैन बी कैरिड थ्रू अ बुलक कार्ट और अ एनिमल पुलिंग अ कार्ट, यानी कि एक जानवर जो किसी कार्ट को पुल कर रहा है तो उसमें कितना भार हो सकता है, इसके लिए भी निर्णय लिया गया है। प्लस ये भी कहा गया है कि अगर टेम्परेचर जो है तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है या 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है तो आप जो है किसी जानवर का इस्तेमाल माल ढुवाई में नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एन एनिमल कैन नॉट बी यूज टू पुल अ कार्ट इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज अबव 37 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अ यूनिक जजमेंट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स अगेंस्ट क्रुएल्टी एंड प्रमोट ग्रेटर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग घटना हुई है, वो क्या है कि इसरो ने जो है अपना एस्ट्रोनॉट एस्केप फीचर, यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम जो है, इसे जो है लॉन्च किया है। तो आपको उसका नाम बताना है, उसे एक नाम दिया गया है इस जो टेस्ट किया था एस्ट्रोनॉट एस्केप फीचर का, जो यानी कि अंतरिक्ष यात्री एस्केप सुविधा जो कि इसरो ने टेस्ट किया आज सुबह, जो भी की कामयाबी रहा, सफल भी रहा। तो उसका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है HAT यानी कि हैट, दूसरा है PAT पैट, तीसरा है सैट और चौथा है कैट, यानी हैट, पैट, सैट और कैट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है पैट,
यानी कि इसका मतलब हो गया पैड अबॉट टेस्ट, पैट अबॉट पैड, पैड पी ए डी, पैड अबॉट ए बी ओ आर टी, अबॉट अबॉट टेस्ट, हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया, अभी देखेंगे। अब आइए इसमें देख लेते हैं कि ये मैंने एक डायग्राम दिया है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि ये जो है ये जीएसएलवी जो है ये जीएसएलवी मार्क थ्री होगा, जीएसएलवी मार्क थ्री लॉन्च व्हीकल होगा, और ये जीएसएलवी यानी कि जियो सिंक्रनस जो है आपका लॉन्च व्हीकल जो है ये मार्क थ्री, ये जो है इंडिया विकसित कर रहा है। और ये क्या है कि किसी भी सैटेलाइट को जियो सिंक्रनस ऑर्बिट में क्या है कि प्लेस करेगा, और ये 4000 केजी से ऊपर के उपग्रह को वहाँ प्लेस कर सकेगा, 4000 जो केजी का सैटेलाइट है। अभी हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अभी जो है हम फ्रेंच गुयाना में जो एरियन स्पेस सेंटर है फ्रांस का, उसे हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से हम लॉन्च करते हैं अपने किसी भी जी सैट को, यानी कि जो सैटेलाइट है जिनका कि 4000 केजी से ज़्यादा वजन है। तो जीएसएलवी जो है अब इस क्रू यानी कि ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है ये पूरा, यानी कि ये जो है क्रू एस्केप सिस्टम, ये पूरा जो क्रू एस्केप सिस्टम है इसके लिए हम जीएसएलवी मार्क थ्री का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये जो है ये क्रू मॉड्यूल सिस्टम है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये क्रू मॉड्यूल सिस्टम को अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 पर्सन का क्रू है जो कि और इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसके अंदर 3 बंदे बैठ सकते हैं, और 3 यानी कि ये देखिए 1, 2 और 3 यानी कि 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते हैं, और ये इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। और यही है आपका क्रू मॉड्यूल है, ये पूरा क्रू मॉड्यूल है। अब आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। तो हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, सो इट हैज शेड्यूल्ड अ पैड अबॉट टेस्ट, यानी कि आपका मतलब क्या हो गया, पैड निरस्त परीक्षण ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्पेस क्रू कैप्सूल ऑन July 5, 2018 एज अ की ऑफ इट्स प्लान टू सेंड इंडियंस टू स्पेस वन डे, सो एज पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, एज पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, सो इंडिया विल बी सेंडिंग मेन टू स्पेस। तो जैसा कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि का परीक्षण सतीश धवन स्पेस सेंटर से 5 जुलाई 2018 को निर्धारित किया गया, मतलब आज हो गया है। यह परीक्षण एक दिन भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की इसरो की योजना की अहम कुंजी है। पेड निरस्त परीक्षण के साथ इसरो का उद्देश्य अपनी तकनीक को साबित करना है जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पैराशूट द्वारा बाहर निकालेगा यदि उनके अंतरिक्ष वाहन को बंद करते समय कोई स्नैग विकसित होता है। तो हम यहाँ पे देखो तो क्या है, विद द पैड अबॉट टेस्ट इसरो एम्स टू प्रूव इट्स टेक्नोलॉजी दैट विल सेफली पैराशूट फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स डाउन इन केस देयर स्पेस व्हीकल डेवलप स्नैग वाइल टेकिंग ऑफ, यानी कि अगर उड़ान के दौरान अगर स्पेस जो सैटेलाइट है अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल स्नैग आता है, तो जो भी एस्ट्रोनॉट उस क्रू मॉड्यूल में बैठे हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये जो क्रू जो आपका कैप्सूल सिस्टम है इसको जो है इस्तेमाल किया जाएगा, क्रू एस्केप सिस्टम को, सो दैट कि एस्ट्रोनॉट्स को कोई खतरा ना हो, वो सेफली बाहर आ सकें। और ये जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। अब आइए समझते हैं कि ये मानव स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम क्या है, यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। सो इट वॉज फर्स्ट आउटलाइंड इन आउटकम बजट ऑफ इसरो इन 2016-17 बट देर हैज बिन नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो इसरो के आउटकम बजट 2016-17 में इसका उल्लेख किया गया है लेकिन इसकी कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। इसमें 4 गतिविधियां शामिल है, क्रू मॉड्यूल सिस्टम, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन सहायता प्रणाली, फ्लाइट सूट और क्रू एस्केप सिस्टम। इस कार्यक्रम के लिए जीएसएलवी MK3 का उपयोग किया जाएगा। सो इट हैज 4 एक्टिविटीज, क्रू मॉड्यूल सिस्टम विच वॉज इन फैक्ट फर्स्ट टेस्टेड ऑन December 18, 2014, यानी कि December 18, 2014 को पहली बार क्रू मॉड्यूल सिस्टम को का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था या टेस्ट किया गया था। देन दूसरा है एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फ्लाइट सूट एंड क्रू एस्केप सिस्टम एंड जीएसएलवी मार्क 3 विल बी यूज फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये जो है हमारा पूरा पैट से रिलेटेड था या क्रू एस्केप सिस्टम से ये रिलेटेड था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि आपको बताना है कि जैसे हमें पता है कि रेलवे ट्रैक जो है अब जो है काफ़ी जर्जर हालत में रहते हैं, तो इनकी हेल्थ को जो है हम हमेशा जो है मैनुअल तरीके से मॉनिटर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम आने वाले खतरे को ठीक से जो है हम प्रॉपरली जो है मिटिगेट नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि जो रेलवे एक्सीडेंट्स हमने पिछले साल देखा, जैसे कि कानपुर में भी हुआ, कानपुर डिवीजन में 2-3 रेल एक्सीडेंट्स हुए जो कि रेलवे ट्रैक के कारण के जर्जर हालत के कारण हुए थे। तो उसी के मद्देनज़र जो है ये क्वेश्चन पोस्ट किया गया है कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर रेलवे ट्रैक हेल्थ, रेलवे ट्रैक हेल्थ मॉनिटरिंग यूजिंग ड्रोन्स। तो ड्रोन का उपयोग करके रेलवे ट्रैक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो आपके ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि लखनऊ में है आरडीएसओ, आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए अब समझते हैं। सो रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की हैव डेवलप्ड अ कंप्यूटर विजन अप्रोच फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स यूजिंग ड्रोन्स एंड सैटेलाइट डाटा। यानी कि ड्रोन्स और सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर विजन अप्रोच बनाया गया है रेलवे ट्रैक्स को मॉनिटर करने का, और इसका जो नाम रखा गया है, आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है रेल टेल। इसका नाम क्या है? रेल टेल। और इस प्रोजेक्ट का एम है टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक टेक्निक्स फॉर ट्रैक इंस्पेक्शन रादर देन मैनुअल। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी रुड़की ने के शोधकर्ताओं ने ड्रोन और उपग्रह डेटा का उपयोग करके रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए कंप्यूटर दृष्टिकोण जो है विकसित किया है। प्रौद्योगिकी का नाम रेल टेल रखा गया है। परियोजना का उद्देश्य ट्रैक निरीक्षण के लिए कुछ स्वचालित तकनीक प्रदान करना है जो कि वर्तमान में मैनुअल रूप से किया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फ्रेम्ड बाय इंडिया। सो किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून लागू किया? तो 1996, 2006, 2016 और 2014। सो योर करेक्ट आंसर इज 2016। सो ये क्यों हमने पूछा है ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी? बिकॉज कल जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसको जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, उन्होंने एक प्रपोजल जो है दे हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल सबमिटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी कि औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो उसने ये प्रपोजल किया था कि दे शुड प्रोवाइड एक्सेसन टू विपो कॉपीराइट ट्रीटी एंड विपो परफॉर्मर्स एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। ये दो ट्रीटी आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका विपो कॉपीराइट संधि और विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि। ये दोनों संधि जो है, पहला जो संधि आया था ये दोनों संधि 1996 में आए थे, लेकिन ये जो लागू कब हुए थे ये 2002 में ये संधि लागू हुई थी, और 96 देश जो है 96 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं या सिग्नेटरीज हैं। सो अब इंडिया भी ही जो है अब इसका एक मेंबर हो जाएगा जैसे ही केंद्र मंत्रिमंडल ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। सो ये किस लिए है कि इट विल एक्सटेंड कवरेज ऑफ कॉपीराइट टू इंटरनेट एंड डिजिटल एनवायरनमेंट। यानी कि हमें पता है इंटरनेट और जो है डिजिटल जो कॉपीराइट है वो जो है अपने आप में एक उभरता हुआ मतलब कि एक क्षेत्र है, तो इसी को जो है कॉपीराइट प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने विपो कॉपीराइट ट्रीटी और विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी को जो है यूनियन कैबिनेट कल इसका एक्सेशन को के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। तो क्या है कि इन संधियों के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल कॉपीराइट भी शामिल है। सो 12 मई 2016 को सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून यानी आईपीआर में उल्लिखित उद्देश्य की दिशा में यह मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक उपयोग के जरिए आईपीआर का मूल्य प्राप्त करना है। सो व्हाट इज द राइट कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी जो है इट एम इज़
टू गेट वैल्यू फॉर आईपीएस थ्रू कमर्शियलाइजेशन। बिकॉज होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट होते क्या है कि ये किसी के कार्य को जो है ये फ्री में बटने नहीं देते हैं। अगर मैंने कोई एक वैल्यूएबल कार्य किया है और तो वो मेरी प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि उस पर मेरा बौद्धिक अधिकार है। और अगर किसी को लेना है तो जैसे कि वो या तो एक मिनिमम रॉयल्टी देगा या कुछ देगा जिसके तहत कि वो उस चीज़ को यूज़ कर पाएगा, और ये इंडिया के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि हम जैसा देखते हैं इंडिया में डिजिटल इंडिया का जो स्कीम लॉन्च किया गया है जिसके तहत सब कुछ डिजिटाइज करना है, तो ये जो है कमर्शियलाइजेशन को लेकर उसके वैल्यू को, आईपीआर से जो वैल्यू निकलेगा उसको लेकर के काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये तीन याद रखना है कि सम एक्ट्स एंड देयर ईयर टू रिमेंबर। जैसे मैंने कहा है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 है, विपो कॉपीराइट ये इंडिया का है, विपो कॉपीराइट ट्रीटी 1996, विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी 1996। लेकिन ये जो विपो का कॉपीराइट ट्रीटी है और विपो का जो आपका प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि है ये लागू हुआ था 2002 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर्स है कि अगरतला एयरपोर्ट विल बी रिनेम्ड एज। सो अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? सो केंद्र मंत्रिमंडल ने इसके प्रति जो है कल एक डिसीजन लिया है। आपके ऑप्शन है महाराजा वीर बिक्रम मानिक्य किशोर एयरपोर्ट, महारानी तुलसीबती एयरपोर्ट, राजकुमार अनंग मोहिनी देवी एयरपोर्ट या सचिन देव बर्मन एयरपोर्ट। सो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महाराजा वीर बिक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए देखते क्या है। सो महाराजा वीर बिक्रम माणिक्य किशोर, तो इन्होंने त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट का 1923 में इनके पास जो है शासन की जो है अधिकार प्राप्त हुआ था। सो ये एक बहुत ही बेनेवोलेंट रूलर थे। सो अगरतला ही वॉज अ वेरी विनम्र, मतलब कि जो थे ये एक बहुत ही आपका विद्वान और विनम्र शासक थे और 1923 में त्रिपुरा राज्य के राजा बने थे। तो महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर द्वारा दान में दिए गए जमीन पर 1942 में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था। तो अगरतला हवाई अड्डा कब हुआ था? 1942 में एग्जिस्टेंस में आया था, ये आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या होगा? महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर अगरतला एयरपोर्ट का नाम होगा। ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब। तो चलिए, जो कि बीजेपी के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी रिनेम्ड एज, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, आपको यह बताना है। तो आपके ऑप्शन है स्पोर्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि खेल नियामक प्राधिकरण, स्पोर्ट्स इंडिया यानी खेल भारत, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि खेल विकास प्राधिकरण, या इंडिया स्पोर्ट्स अकेडमी यानी कि भारतीय खेल अकादमी। सो क्या रखा जाएगा? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पोर्ट्स इंडिया यानी कि खेल भारत, ये रखा जाएगा। तो ये जो है कब लिया गया ये डिसीजन, जो है 50वीं जो गवर्निंग बॉडी हुई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुई, तो उस दौरान जो है खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर इन्होंने ये घोषणा की कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्पोर्ट्स इंडिया रखा जाएगा। इसके अलावा ये भी घोषणा की गई कि ये भी निर्णय लिया गया कि कोच को अब हर एक निर्णय में शामिल किया जाएगा और एथलीट के खाना भत्ता को भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो फूड एक्सपेंसेस है एथलीट्स को, दैट विल ऑल्सो बी इंक्रीज। सो साई वॉज स्टैब्लिश कब हुआ था? साई वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1984, यानी 1984 में जो है साई की स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो है इस गवर्निंग बॉडी के दौरान ये भी कहा गया कि जो टारगेट पोडियम ओलंपिक पोडियम स्कीम है उसका जो सचिवालय है, ठीक है, उसको भी अप्रूव किया गया है। सो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए एक सचिवालय अप्रूव किया है जो कि मिशन ओलंपिक सेल को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो मिशन ओलंपिक जो सेल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का जो है एक सचिवालय बनाया गया है। सो टॉप स्कीम जो है एनडीए सरकार की यानी कि मोदी सरकार की जो है मिशन ओलंपिक के लिए की तरफ लिया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। तो बहुत दिनों से हमारा अगला करंट अफेयर, हम जानते हैं कि बहुत दिनों से ये अटकलें लग रही थी, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए की आलोचना भी हो रही थी कि अभी तक सरकार ने जो है
खरीफ का सीजन आ गया है, किसानों ने बीज बो दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है खरीफ फसलों के लिए डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन कल जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए, सबसे बड़ी हाइक देते हुए क्या है कि खरीफ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि हमेशा सोइंग सीजन से यानी कि बीज बोने से पहले दिया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है वो जब हार्वेस्ट होता है उसके बाद जो है केंद्र सरकार प्रोक्योर करती है, और इश्यू प्राइस जो होता है, तीन चीज होते हैं आपको याद रखना है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी जिसे हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि किसानों को दिया जाता है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका इश्यू प्राइस यानी कि इश्यू प्राइस जो होता है जो भी पीडीएस की राशन की दुकान है वहां पे जो अन्य बीपीएल और एपीएल को दिया जाता है वो उस इश्यू प्राइस पे दिया जाता है, और तीसरा जो होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस जो कि प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है वो जब अनाज पूरा हो जाता है और उसकी जो कटाई होती है उसके जो बाद जो अनाज होता है उसको प्रोक्योर करने के लिए वो प्राइस दिया जाता है। तो आपको ये बताना है, अब सवाल ये है आपका कि फॉर हाउ मेनी खरीफ क्रॉप्स द CCEA डिसाइडेड टू इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 14 यानी 14 खरीफ फसलों के लिए जो कि मानसून के दौरान होता है, ठीक है, एक होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी और तीसरा होता है जायज। तो खरीफ जो होता है समर क्रॉप्स होते हैं, रबी जो होते हैं आपके सर्दी में क्रॉप्स होते हैं, और जो जायज होते हैं वो जब सर्दी खत्म होती है यानी कि जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ये जायज क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके के फसल होते हैं। अब आइए देखते हैं क्या क्या मतलब की मूल्य है। जैसा हमने टेबल दिया है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं टेबल के हिसाब से कि धान पे जो है वृद्धि, कम से कम सामान्य जो धान है यानी चावल है उस पे 200 रुपए का शुद्ध वृद्धि दिया है, लगभग 12.90%, और जब और ग्रेड की बात करें तो 180 रुपए का जो है मूल्य बढ़ाया है MSP। वहीं ज्वार के रूप में बात करें हाइब्रिड के लिए 730 रुपए है, और माल दंडी के लिए ये जो है 725 रुपए है, कम से कम 42% का इसमें बढ़ोतरी है। और अगर सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी की बात करें तो वो है 52.747% का जो कि रागी में जो है दिया गया है, इसमें रागी क्रॉप में दिया गया है, और पहले जो इसका मूल्य था 1900 रुपए था और अब जो है 2897 मूल्य हो गया है। तो कुल मिला के 997 रुपए जो है कि शुद्ध वृद्धि जो है इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में दी गई है। तो ये जो है हमने मुख्य देखें, आप जो है इस जो टेबल से है आप देख सकते हैं, जैसे कपास का भी हम देख सकते हैं यानी कि जो कपास यानी कि कॉटन है जो मीडियम स्टेपल है उसमें जो शुद्ध वृद्धि है 1130 की है, लॉन्ग स्टेपल में 1130 का सेम मतलब कि सेम है। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है 1288 रुपये का है, ये है सूरजमुखी में। सो सूरजमुखी जो होता है वो तेल होता है, तो उसमें लगभग 1288 रुपये का वृद्धि है, बल्कि उससे भी ऊपर सॉरी यहाँ पे है मूंग दाल, तो मूंग दाल में 1400 रुपए की वृद्धि है। तो सब तो दो सवाल बनता है कि पहला, सबसे ज्यादा शुद्ध वृद्धि किस फसल में हुई है, किस खरीफ फसल में, तो वो है मूंग, और प्रतिशत के टर्म्स में सबसे ज्यादा जो है किस फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है, तो वो है आपका 52.47 यानी कि रागी। तो ये आपको दोनों याद रखना है। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको इसके अंत में एक सवाल पूछूंगा इस PPT के अंत में, हालांकि मैं यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, आप बस ध्यान से सुनिए इस सवाल को। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि इसरो यानी कि आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इन विच ईयर इसरो वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो आपके जो ऑप्शन है आप ऑप्शन भी नोट डाउन कर लीजिए। पहला ऑप्शन है 1971 यानी ए, बी है आपका 1972, सी है 1973 और डी है आपका 1974, यानी कि 71, 72, 73, 74 इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन जो है आप लिख सकते हैं, और हम जो है इसके विनर का कल अपने वीडियो में PPT के शुरुआत में घोषित करेंगे। यानी कि आपका सवाल क्या है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स।
हमारा जो करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिएगा, और आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल दबा के नोटिफिकेशन भी पाएँ। तो दोस्तों धन्यवाद।